जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, दल बदलों की राजनीति दिखाई पड़ रही है और नेताओं की तीखी बयानबाजी बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। रविशंकर प्रसाद का कहना है, बिहार चुनाव में इस बार मुख्य मुद्दा विकास बनाम विनाश का है। एनडीए के 15 सालों का विकासात्मक कार्यालय और लालू राबड़ी राज के 15 साल को लोगों ने देखा है। बिहार की जनता समझदार है और वो नरेंद्र मोदी नीतीश को सरकार के लिए किए गए विकासात्मक कार्यों को ही अपनाएगी। गुरुवार को भाजपा विधायक नितिन नवीन की ओर से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार नामांकन करने से पहले विद्यापति भवन में आयोजित आशीर्वाद समारोह में केंद्रीय मंत्री ने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिए बगैर बड़ा बयान दिया और कहा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को हम लोगों ने हराया था, इस बार बांकीपुर में हम उनके पुत्र को हराकर खामोश कर देंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार में चुनाव का मुद्दा वसूलों और आदर्शों की सरकार का है, विकास का है, राष्ट्र की सुरक्षा का है। नितिन नवीन की जीत का दावा करते हुए कहा, बांकीपुर की जनता यहां से भाजपा को जीत दिलाकर एनडीए की सरकार बनाएगी। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर बिहार के विकास को गति देने वाली सरकार का गठन होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नितिन नवीन को पटना का हीरो बताया और कहा, इस बार बांकीपुर की जनता 50,000 से भी ज्यादा मतों से जिताएगी। इस कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने सबों से नितिन नवीन को जिताने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, चुनाव में बांकीपुर की जनता एक बार फिर से सेवा का मौका भारतीय जनता पार्टी को देगी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।